यानी सीधे तौर पर यह कहना है इनका कि जो भी पहले 66A को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे वो पहले ठीक नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी आईटी एक्ट की धारा 66A। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूल अधिकारों का उल्लंघन है। मूल अधिकार यानी भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 19 है जिसमें कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी, उसका ये उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। धारा 66A के तहत अब किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले जिस तरीके से इसको लेकर गिरफ्तारियां हो गई थी, महाराष्ट्र में हुई, फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई गिरफ्तारी, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। धारा 66A के तहत कार्रवाई पहले होती थी, अब धारा 66A खत्म। सोशल मीडिया में कमेंट पर कार्रवाई, अब कमेंट पर पाबंदी नहीं। पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार, केस मुमकिन, कोर्ट करेगा सुनवाई। 3 साल की जेल, अब जेल का प्रावधान खत्म है। अब आपको बताते हैं कौन कौन इसके पीड़ित रहे हैं, किन किन लोगों को इसके तहत गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखें आप, असीम त्रिवेदी कार्टून बनाने के चक्कर में धर लिए गए थे। शाहीन, इन्होंने बकायदा महाराष्ट्र में इन दो लड़कियों ने फेसबुक पे कुछ लिखा था जिसको लेकर बवाल खड़ा हो गया था। मुकेश महापात्रा जो कि प्रोफेसर हैं, इनको अरेस्ट कर लिया गया था बंगाल की मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ भी लिखने पर। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और इन 3 तस्वीरों में साफ हो जाता है कि आखिर किन किन को किससे क्या क्या नुकसान हुआ।